हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं बनाने आइसक्रीम और भी बहुत ही टेस्टी। और कुछ भी नहीं, सिर्फ लगेगा एक बिस्किट का पैकेट। और सारे बच्चे तो एकदम आज खुश हो जाने वाले हैं, एकदम बहुत ही खुश। बच्चे क्या, बड़े भी सब लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि यही एक बिस्किट में देखो मैं आपको बताती हूँ कितनी सारी आइसक्रीम बनाकर। तो हम लेंगे एक बिस्किट का पैकेट। आप कोई भी बिस्किट का पैकेट ले लीजिए, उसे एकदम तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद उसमें डालिए दूध, दूध डाल के उसे एकदम अच्छे से मैश करके एकदम घोल लीजिए। थोड़ा सा मोटा रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि जब उसके अंदर थोड़े से बिस्किट्स के पार्ट्स होंगे तो ये खाने में बहुत ही अच्छा और दरबराह लगेगा। तो इसीलिए बहुत ही टेस्ट आएगा उसका, और ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो इसके लिए हमने देखिए घोल लिया एकदम अच्छे से, और थोड़ा सा हमने इसमें दूध डाला है। इसके लिए हम इसके अंदर थोड़ी सी डालेंगे चीनी। तो चीनी डालने के बाद भी हमें इसे फेंट लेना है एकदम अच्छी तरह से। हमें चीनी इसमें डाल के घोल देना है ताकि चीनी की भी मिठास आ जाएगी। तो जो भी थोड़ा सा दूध डालने के बाद फीकापन आएगा तो वो मीठा हो जाएगा। तो हमने चीनी तो इसमें डाल लिया, अब इसे एकदम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। मैंने ये वीडियो बनाई थी, ये सिर्फ वैसे ही बच्चों को बनाने के लिए दिया था। तो ये मेरी बेटी ने इसे शूट कर लिया था, तो मैंने सोचा लाओ इसे डाल देती हूँ वो यूट्यूब पे, और आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँगी। शायद आपको लोग को ये वीडियो अच्छी लगे, और आप भी अगर एक भी बिस्किट है तो उससे भी आप कितने सारे बच्चों को एक एक मतलब छोटा छोटा मिनी सा आइसक्रीम देकर भी खुश कर सकते हैं। तो मैंने तो जब बनाया था तो इसे खाकर सब लोग बहुत ही खुश हो गए थे। और आपको तो पता ही है गए, अगर आप उसे कभी भी आइस ट्रे में अगर कोई भी आइसक्रीम आप जमाते हैं तो वो कितनी जल्दी जम जाती है। मतलब अगर आपके बत्ती नहीं जा रही है, अगर आपका लाइट अच्छे से आ रहा है तो आप उसे, क्योंकि पता है ना कि गांव में और फिर ऐसे कस्बों में तो बहुत जल्दी जल्दी लाइट जाती ही आती है, मगर ये आधे घंटे एक घंटे में तो आपका पक्का ये जम जाएगा। तो इसे हमने फ्रिज में रख दिया, और उसके बाद सिर्फ हमने एक घंटे इंतज़ार किया है। बस इसे पूरा 7 पे कर लिया है फ्रिज को, और फ्रिज को करने के बाद और इसे हमने रख दिया एक घंटे के बाद। तो फिर जब हमने भैया इसे चेक किया तो ये एकदम अच्छे से पूरी जम चुकी थी, अच्छे से एकदम जम चुकी थी। तो इसे फिर हमने निकाल लिया भाई, निकाला, निकालने के बाद देखा तो अरे बाप, आप यकीन नहीं मानेंगे कितनी अच्छी लग रही थी। तो जैसे मैंने तो ये सिंपल से बिस्कुट से बनाया, आप जिसे ओरियो से बनाएंगे तो ये और भी टेस्टी बनेगी, और बॉम्बिटा वाली से बनाएंगे तो उससे तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो अच्छी लगनी ही लगनी है। तो वीडियो अच्छी, तो मेरे को लगता है कि वीडियो तो सबको ही अच्छी लगी होगी। और देखिए हमारे कितने अच्छे अच्छे छोटे छोटे मिनी से आइसक्रीम निकल रहे हैं, तो बच्चे तो देख के इसे खुश होने ही होने वाले हैं भाई। तो सारे बच्चे तो एक एक उठा लिए और सब लोग बहुत खुश हो गए। तो वीडियो तो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर तो ज़रूर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।